हेलो इंजीनियर्स, दिस इज रोबोटिक्स कांति। तो आज आपके लिए लाए हैं जो हम लोगों का जो फिश होते हैं, जो हम लोग एक्वेरियम में यूज करते हैं, जो फिश उसका जो खाना होते हैं वो हम लोगों को टाइम टू टाइम देना पड़ता है। लेकिन आज जो प्रोजेक्ट लाया हुआ हम लोग, तो वो प्रोजेक्ट एक्चुअली में आप देख सकते हैं सामने, ये जो प्रोजेक्ट है ये आप फिट करके रख देंगे और इसका जो खाना है वो ऑटोमेटिकली आप जिस टाइम पे ये सेट करेंगे उसी टाइम पे ऑटोमेटिकली ये खाना जितना इसका जरूरी है उतना ही खाना इसको दे देगा। तो ये ऑटोमेटिकली काम करता है, आपको खाना देने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली ये मशीन दे देगा। तो चलिए आज हम लोग सीखते हैं किस प्रकार से आसानी से हम लोग ये जो मशीन है इसको घर पे बना सकते हैं, वो भी बहुत ही ईजी से। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई LTM.com। यहाँ पे आप लोग आसानी से स्केमिक बना सकते हैं, PCB डिजाइन कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के गड़बड़ फाइल, बोम फाइल, ये सब कुछ आसानी से क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। इस सॉफ्टवेयर के ट्रायल के लिए नीचे दिया हुआ लिंक पे क्लिक करें। तो अभी आप लोग देख सकते हैं ये टोटली कंप्लीट हो गया है। तो इसके अंदर मैंने जो सर्किट लगाया है, एक लगाया है जो कि AC से DC करेगा 5 वोल्ट, और एक लगाया है आर्डिनो। तो आर्डिनो जो प्रोग्राम में इस पे डालेंगे वो प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे अभी, लेकिन सबसे पहले आपको बोल देते हैं जो कि 5 वोल्ट है उसको हम लोग AC से कनेक्ट करेंगे। आप चाहे तो बैटरी से भी कनेक्ट कर सकते हैं आर्डिनो को। तो करने के बाद जो आप प्रोग्रामिंग देंगे, जिस टाइम का आप खाना इस पे देंगे उसी टाइम पे दे देगा, और साथ में कितना खाना देंगे मतलब जो साइज का खाना देंगे वही इसमें से आउटपुट होगा। तो अभी चलिए अभी हम लोग प्रोग्रामिंग को देखते हैं किस प्रकार से इसका जो एडजस्टिंग है वो करते हैं प्रोग्रामिंग पे। तो अभी जो ये प्रोजेक्ट है इसका प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे। ये जो प्रोग्रामिंग है बहुत ही ईजी है, आप लोगों को मैं बताऊंगा किस प्रकार से करते हैं। और इसका जो प्रोग्रामिंग मैंने version 1 बनाया है, version 2 पे आप कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस पर जो कि डिस्प्ले होगा उस पर आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी का जो प्रोग्रामिंग है वो पहले हम लोग देख लेते हैं क्या है एक्चुअली। तो अभी कंप्यूटर पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इनपुट सर्वो कर दिया है और यहाँ पे मैंने टाइम को डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कि 1 सेकेंड, तो यहाँ पे देखिए 1000 नैनो सेकंड पे 1 सेकंड,
तो इस पे अगर से 60 सेकंड पर 1 मिनट होगा, इस पे अगर से 60 मिनट पर 1 आवर होगा, इस तरह 1 डे को हमने सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी हम लोग नीचे आएंगे तो माय सर्वो मैंने 9 नंबर पे फिट किया है। तो अभी यहाँ पे लूप पे आते हैं, तो लूप में आप देख सकते हैं सर्वो को मैंने कितना एंगल पे घुमाया है। जो इसके अंदर जो पिस्टन हमने फिट किया है, इसका जो होल होते हैं जिस पर हम लोग खाना डालेंगे, तो वो होल अगर मान लीजिए 1 ग्राम का होगा, तो आप लोगों को चाहिए मान लीजिए रोज का 4 ग्राम चाहिए, तो 4 बार जब भी मूविंग करेगा तो क्या होगा, 4 ग्राम आपको मिल जाएगा, और उसके बाद 24 आवर्स के बाद फिर से ये 4 ग्राम दे देगा। तो इस प्रकार से आप लोग इसको सेट करेंगे। अगर 1 ग्राम चाहिए तो 1 बार मूविंग करेगा, वो मूविंग किस प्रकार से होगा, तो देखिए फॉर लिख के यहाँ पे एक बार मूविंग हुआ है, तो डिले हमने थोड़ा टाइम तक डिले कर दिया, उसके बाद फिर से ये मूविंग करेगा, उसके बाद डिले फिर से कर दिया, उसके बाद फिर से मूविंग करेगा। करने के बाद इस प्रकार से मैंने जो कि 4 बार किया है, फिर से डिले कर देंगे, उसके बाद फिर से मूविंग होगा, होने के बाद लास्ट में देखिए डिले 1 डे। तो 1 डे यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए 1 डे, ये जो 1 डे है यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया 1 डे, मतलब 1 दिन के बाद फिर से ये बर्ड लूप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग प्रोग्रामिंग को बना सकते हैं बहुत ही इजी से। तो ये जो प्रोग्रामिंग है इसको आप अभी तक इस पर डाल सकते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो एक लाएंगे जिस पर डिस्प्ले आ जाएगा, और यहाँ पे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं इसका, जो कि डे का कंट्रोल कर सकते हैं या फिर खाना का भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बोतल लगाया है, जो कि आप कोई भी बोतल आप एप्स में फिट कर सकते हैं, और इसके अंदर जो कि है जो माछ का जो मछली का जो खाना होता है वही हमने इसमें डाला है। तो ये एक्वेरियम का फिश पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं, जो एक्वेरियम फिश हम लोग यूज़ करते हैं, तो इसके नीचे एक होल रहता है, तो उसी होल से ये खाना निकलता है। तो इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग मैंने डाला है वो 24 आवर्स के बाद इसमें से खाना निकलेगा, जितना साइज़ का खाना हमने इस पर डाला है वही खाना इसमें से आउटपुट होगा। तो अभी हम लोग इसको टेस्ट करेंगे, करने के बाद हम लोग एक्वेरियम पे जाके हम लोग देखते हैं एक्वेरियम पे ये किस प्रकार से काम कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। तो अभी हम लोग इस सर्किट को हम लोग एक्वेरियम पे फिट करेंगे, करने के बाद हम लोग देखते हैं मछली को टाइम टू टाइम खाना मिलता है या नहीं मिलता है। तो देखा आपने किस प्रकार से आसानी से एक एक्वेरियम फूड मशीन हम लोग आसानी से घर पे बना सकते हैं। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों, बाय।